हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर एसबीआई द्वारा जो वैकेंसी यहां पर इनवाइट की गई है वो है आपके जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए। तो यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप आएंगे इसके होम पोर्टल पर और आपको यहां पर दो सेक्शन मिलेगा, एक है आपके लॉगिन का, एक है आपके रजिस्ट्रेशन का। तो आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद जो ये इंस्ट्रक्शंस आपको शो करते हैं आप इनको यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करने के बाद आपको सबसे पहले यहां एंटर करना होगा आपका फर्स्ट नेम। यहां पर आपको दो बार एंटर करना है। सेम आपका जो मिडिल नेम है या लास्ट नेम है वो दो दो बार आप यहां एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नेम है वही आपका यहाँ पर कंपलसरी है। उसके बाद चाहे आप एंट्री करें या ना करें, अगर आप लगाते हैं नाम में तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे दो बार और इसके बाद नीचे आपको सेक्शन मिलता है आपकी मेल आईडी का। तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से डोमेन सर्च करेंगे और इसके बाद जो नीचे कन्फर्म मेल आईडी वाला ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स आपकी जो भी ये मेल आईडी है इसको फ्रेंड्स आप पूरा विद डोमेन यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है कैप्चा कोड सेक्शन। ये कैप्चा कोड जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है ये आप यहाँ पर एज इट इज फिल कर देंगे और यहाँ पर जो ये सेव एंड नेस्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, जिससे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आपकी मेल आईडी और ईमेल आईडी पर भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो सेंड कर दिया गया है। साथ में आपको ऊपर यहाँ पर भी शो करता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। ये जो सेक्शन है ये फ्रेंड्स आपके फोटो एंड साइन का सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए और सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए और आपको यहाँ पर ये अपलोड करने हैं जो कि जेपीजी इमेज में। तो साइज मैंने आपको यहाँ बता दिया है, आप यहाँ पर ब्राउज करेंगे इन साइन के जो अंदर का जो साइज है इसमें अपनी जो फोटो एंड साइन है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन का प्रीव्यू देखने के बाद आप यहां पर जो ये नेक्स्ट टैब आपको दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे, जो इसका थर्ड पार्ट है डिटेल सेक्शन ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड ऑप्शन आपका है ये आपके दो भाग में आपको डिवाइड किया गया है, एक आपका बेसिक सेक्शन है, एक आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या लैंग्वेज सेक्शन है। यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले आपसे पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज के लिए या फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्किल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सर्किल में फ्रेंड्स आपको यहाँ देखिए जो आपके सर्किल्स नेम्स है वो आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर कोई भी सर्किल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सर्किल आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट यहाँ शो करेगा और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां बताना होगा जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में एक एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आपने पढ़ी है यस करेंगे, नहीं पढ़ी है आप नो करेंगे। अगर फ्रेंड्स नो करते हैं तो देखिए आपको जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है वो आपको देना होगा और अगर उस लैंग्वेज टेस्ट में आप जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में जो भी सब्जेक्ट एज ए लोकल सब्जेक्ट पढ़ी है उसमें आप यहां पर यस करें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी है तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर आपका ओबीसी है या फिर एससी या एसटी है। अब यहाँ पर एक सबकास्ट का ऑप्शन है जो कि ओबीसी एससी या एसटी में आएगा। तो देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी या एसटी ये आपकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी के अंदर जो सबकास्ट होती है मतलब जो आपकी जाति है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। जैसे ओबीसी में सैनी, माली, जो एज ये कैटेगरी हो गई ये आपकी कास्ट होती है, तो कास्ट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो फ्रेंड्स यदि आप इस सेक्शन में नहीं आते हैं आप नो करेंगे सारे ऑप्शंस आपके बंद रहेंगे। यदि पर आते हैं आप इस सेक्शन में तो आप यहां पर यस करके टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सब टाइप का डिसेबिलिटी का, ये आपका ओपन हो जाएगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी का आपका ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। तो अब जो भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है जैसे
इस वाले सेक्शन में ये एक्टिवेट हुआ है तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन एक्टिवेट होगा आपके टाइप एंड सब टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% या मोर देन 40% वो आपको बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको डिटेल बतानी है कि आपका जो राइटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए इसलिए, या फिर आपका जो यहाँ पर जो स्क्राइब है वो आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपको यहाँ बता सकते हैं। और स्क्राइब के लिए जो गाइडलाइन है वो फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर यस कर सकते हैं यदि आपको स्क्राइब चाहिए तो। तो ये कंडीशन है, पीएच कैंडिडेट के लिए नहीं एलिजिबल है, आप नो कर देंगे सारे ऑप्शंस आपके यहाँ बंद हो जाएंगे। इसके बाद है रिलीजन का, आपका रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान यदि आप हैं आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर करेंगे नो। नेशनलिटी इंडियन आपकी यहाँ पर आएगी, यदि आप डिवोर्सी वुमन है या विडो वुमन है तो आप यहाँ पर यस या नो करके आपका जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ ले सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करके जो है उसका रिजर्वेशन ले सकते हैं। यदि आप यस करते हैं तो आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस या नो करेंगे। आपके पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में आप यहाँ बताएंगे। और यदि आप डिपेंडेंट हैं सर्विस स्किल्ड इन एक्शन DSX के तो फ्रेंड्स आप यस या नो कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर 15 साल सर्विस की है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। यदि आप एलिजिबल नहीं है तो आप इनमें नो भी कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर कि आप SBI क्लरिकल या ऑफिसर कैडर में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपने पहले कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। यदि आपका कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की वजह से आपको जो आपका रिकॉर्ड है वो डिफॉल्ट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है आप यहाँ पर या नो ही कर दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर प्री एग्जाम का, तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेट चूज करना है, आपका जो भी स्टेट आप लेना चाहें वो स्टेट ले लीजिए, स्टेट कोड आ जाएगा, जो आपका सेंटर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मेन एग्जाम है वो आप कहाँ लेना चाहते हैं, सेम आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है और सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मेन एग्जाम के लिए भी। तो आप प्री एंड मेन दोनों के लिए ही अपने सेंटर्स को यहाँ चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ बर्थ सेक्शन है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस सेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है 1/1/2020 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद जेंडर सेक्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है फादर फर्स्ट नेम, तो आपका जो फादर का नाम है फर्स्ट नेम वो देना जरूरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। सेम आपका जो मदर नेम है वो भी आपको फर्स्ट नेम देना जरूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट नहीं है, मतलब मैरिड या फिर कोई अदर कैटेगरी है, तो आपको स्पाउस नेम भी देना होगा, मतलब पति या पत्नी का नाम, तो आप यहाँ पर उनका भी फर्स्ट नेम, मिडिल या लास्ट नेम दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस का, मतलब जो आपके पत्राचार वाला जो पता है वो आपको देना है। तो पूरा एड्रेस आपको लिखना है मैक्सिमम 3 लाइन में, एक लाइन लिखना यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, आपका स्टेट मेंशन करेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको सेम एस का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से सेम एस कर देंगे। यदि आपका एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट, यदि ये अलग अलग है आप इसको अनटिक रहकर मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ GST में आप कोई भी ऑप्शन यहां चूज कर लें, आपका अमाउंट ऑफ फीस आपको यहां शो करता है। इसके बाद आप यहां से इसको करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट में फ्रेंड्स आपको यहां मिलेगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपने सभी ऑप्शंस को यहां पर फिल कर दिया है और आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन आपने वैलिडेट किया और कोई भी एरर आपको बताया तो ये बताएगा कि आपका ये जो ऑप्शन है ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, आप इसको कंप्लीट कर लें। वो कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको दोबारा से वैलिडेट करेंगे, वेरीफाइड सक्सेसफुली करेंगे, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो डिटेल सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स आपका जो क्वालिफिकेशन सेक्शन है ये आपका ओपन होता है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी 1/1/2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन का है, तो डिग्री आपकी कौन सी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है या फिर कोई अदर डिग्री है। यदि इनमें से भी अगर आपका कोई नहीं मिलता है आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इंजीनियरिंग है या फिर इसके अलावा कोई भी है आप चूज कर लें। अभी आप अपीयर्ड है या पास है, आप अपीयर्ड है तो अपीयर्ड कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो भी अपीयर्ड आप करते हैं आपका जो डेट ऑफ पासिंग का जो प्रूफ है वो 1/1/2020 तक आपको शो करना होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए अभी आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप अपीयर करते हैं, पर आपका जो प्रूफ है वो 1/1/2020 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आप पास कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं है। नेम ऑफ द कॉलेज आपको देना है, या फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी नाम भी दे सकते हैं, तो पूरा आप यहाँ पर दे देंगे। आप देखिए यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर नाम मिलेंगे आपके जो है कॉलेजेस के, या फिर इंस्टीट्यूट के, या फिर आपके जो भी जितने भी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है फ्रेंड्स आपको यहां पर इनमें आपका नाम मिले, अगर नहीं मिलता है तो आप मैनुअल एंट्री यहां पर कर सकते हैं। आपके जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके आप मैनुअल एंट्री कर दे, कोई भी दिक्कत आपको यहां नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है डेट ऑफ पासिंग सेक्शन, तो आपने इसको कब पास किया है वो आप डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आपका परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया आप लिख देंगे और क्लास ऑफ ग्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गई आपकी एसेंशियल जो कि आपसे मांगी गई है। अगर आपके पास ड्यूल डिग्री है इंटीग्रेटेड तो आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी एमबीए या कोई अदर डिग्री है वो दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई अदर डिग्री है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो मेनली हमने ग्रेजुएशन की एंट्री कर है क्योंकि कम से कम ये आपका होना जरूरी है आपके पास। अब आपका यहां पर है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो आप यहां पर नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपसे यहां पर जो है एम्प्लॉय के तौर पर मांगा है डिटेल, तो आप यहां पर देखिए अपने जो एम्प्लॉयर नेम है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके पद का नाम, कब से कब तक आपने जो है सर्विस की है और आपकी ड्यूटी क्या थी और आपका रीजन क्या था उसको छोड़ने का, वो आपको यहां बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये जो जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स आपके सिर्फ एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और उसके अलावा रिलीज जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए ऑप्शन होगा। अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं। स्टेट और स्टेट कोड और प्री एग्जाम ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं इस कैटेगरी में होते हुए भी तो आप इसमें नो कर देंगे। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज नोन है वो हिंदी आपकी आएगी जिसमें, क्योंकि आपका ये ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आप उसको रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं आप यहाँ पर लिखकर उसको रीड राइट एंड स्पीक कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद आप यहाँ से वैलिडेट करके इसको यहाँ से सेव एंड नेस्ट आप कर सकते हैं। सेव एंड नेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है ये आपका ओपन होता है और आपने अभी तक जितनी भी डिटेल फिल की है वो आप यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी फोटो को आप कंफर्म कर देंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर को एग्री करके आपकी फोटो या साइन को भी कंफर्म करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है कोई सेक्शन में आप बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां से फाइनल सबमिट कर सकते हैं और यहां से फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंज या एडिट यहां पर नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ओके करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फीस सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा और इसके बाद जो नीचे ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये कैप्चा कोड आप फिल करके यहां से सबमिट और ओके यहां से आप कर देंगे। अब आपका जो पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उस माध्यम को आप यहां चूज करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां से जो भी आपका पेमेंट है उसको आप कंफर्म कर लेंगे। जिनकी फीस ये नहीं लगती है उनका ये सेक्शन नहीं आएगा और सीधे ही वो पहुंच जाएंगे इसके प्रिंट सेक्शन पर। तो फ्रेंड्स यहां पर जब आप दोबारा से यहां पर अपना पेमेंट कंफर्म कर देंगे आप अपने होम डेस्क पर आएंगे, वहां पर आप दोबारा से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो आपका डेस्क है जिसमें आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां से आपका जो भी प्रिंट है वो निकाल कर आपने पास रख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर आप किसी से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ निकालने में दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स पीडीएफ 24 सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर ले गूगल से और इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहां पर इनबिल्ट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट कमांड जैसे ही देंगे ये फ्रेंड्स आपको पीडीएफ में शो करेगा सेव एज पीडीएफ के ऑप्शन को, आप यहां से पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।